शीट नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, बढ़िया हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 से डाउट, फोर्थ में अब वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है कितनी, 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे नहीं पता आपको केमिस्ट्री में सिखाया नहीं सिखाया, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, हाँ 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 5 × किलो का मतलब 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई करके किसमें, जूल में आ गया। जरूरत है इसको करने की? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी कहीं जरूरत पड़ जाए पता तो होना चाहिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है मालूम है, ठीक है, पर मेरे को बताना है ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे करना है, नहीं तो अगर कल को जरूरत पड़ जाए तो उसको पता ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट है, आपको प्रोटोन गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन इज कितनी, 50 किलो वोल्ट, किलो का मतलब 10³, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये लो। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स निकालनी है, तो तुम कुछ ना करो इसमें, यहाँ पे लिखो 1/2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन × वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन² और यहाँ पे लिखो 1/2 × मास ऑफ प्रोटॉन × वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन² और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। अब ठीक कह रहे थे, इनको कन्वर्ट करने का कोई फायदा है ही नहीं, कैंसिल ही हो गए यूनिट्स, हाफ से हाफ भी कैंसिल, आपको मास पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का, वेलोसिटी की रेशियो निकाल लेना आंसर, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें, 1.67 है, हाँ 1.67 है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, न्यूट्रॉन जिसका मास गिवन है, मूविंग विद स्पीड गिवन है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, ये तो आई जाएगी, एवरेज फोर्स क्या होगी। देखो जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी ना 1/2 mv² फर्स्ट पार्ट से, इस काइनेटिक एनर्जी से वो जो पार्टिकल है वो एंटर कर गया 0.01 सेंटीमीटर अंदर, तो यानी कि जब वो एंटर कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो रही है, तो कहीं ना कहीं रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, तो कोई तो फोर्स वर्क डन कर रही है इसको रोकने के लिए, तो जो भी फोर्स वर्क डन कर रही है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स इनटू x वर्क डन है, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन थ्योरम, तो काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए या इसको चेंज करने के लिए वर्क डन करना पड़ा f इनटू x, इसको इक्वेट कर लेना, x को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, f की वैल्यू आ जाएगी, जैसे वुडन ब्लॉक वाला क्वेश्चन नहीं किया था पेनिट्रेशन वाला, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या अगर पूरी क्वेश्चन लगानी है वर्क एनर्जी तो ऐसे लगा लो, अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक जीरो हो जाएगी, कहाँ से, 1/2 mv² से, 1/2 mv² से इज इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स है ना, ऐसे वो अपने आप माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की स्पीड रुक रही है ना, रुक रही है, तो अपने को ये वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो शॉर्टकट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम है, एक्चुअल में तो ये लग रही है, एक्चुअल में तो ये है कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसको रोक रही है, एफ निकाल लेना आंसर, समझ में आ रहा है यहाँ तक। सेकंड वाला, एक बॉडी काइनेटिक एनर्जी है उसके पास,
0.01 सेंटीमीटर पे रुक रही है, तो फाइनल क्या हुई एनर्जी? जीरो. इनिशियल क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. रुक रही है तो रिटार्डिंग फोर्स है इंटू एक्स. क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 8. मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 50% हमने किया था. अगर मोमेंटम पी है तो नया मोमेंटम क्या है? पी प्लस 50% ऑफ पी. शॉर्टकट सीधा भी लिख सकते हैं, 150 बाय 100 इंटू पी. तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज कितना इंक्रीज हुआ? तो पहले काइनेटिक एनर्जी है कितनी? इतनी है. अब नई काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पी डैश स्क्वायर बाय 2m है. तो आप फाइनली क्या करोगे? ई डैश माइनस ई बाय ई इंटू 100. ई पता है, ई डैश पता है, पुट कर लेना आंसर. ई पता है, ई डैश पता है, वहां पुट करके सब कैंसिल करके आंसर निकाल लेना. मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? लास्ट टाइम किया था, कोई डाउट इसमें? ठीक है. नेक्स्ट, 8 के बाद 9th. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीज बाय 19%. तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है? के. डिक्रीज का मतलब समझते हो, जितनी के थी 19% कम हो गई ऐसे. तो कितनी हुई? 81 बाय 100 इंटू के हो गई. तो लीनियर मोमेंटम कितना डिक्रीज हुआ? तो के होता क्या है? पी स्क्वायर बाय 2m. तो पी क्या रहा होगा? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के. ये पी आ गया. और पी डैश क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के डैश. के डैश तो है आपके पास यहाँ पे. तो आपको क्या निकालना है? पी डैश या पी डिक्रीज कह रहा है. पहले पी है, फिर पी डैश है बाई पी इंटू 100. डिक्रीज है ना, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो अपॉन पी इंटू 100. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक हो गया क्वेश्चन? ठीक है. नेक्स्ट, 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th. हो गया 10th? सेकंड पार्ट भी है इसका कोई? मैन एंड बॉय. अच्छा, दोनों की वेलोसिटी निकालनी है. पता नहीं मैंने किया नहीं, मैं भी चेक कर लेता हूँ. तो ये देखो, एक मैन है. पहला केस, केस नंबर 1, मैन और एक बॉय. बैड लिख दिया, बॉय. तो इसमें रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ बॉय. मतलब अगर बॉय की काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है, मैन की काइनेटिक एनर्जी हाफ है बॉय से. सही है, ये पहली चीज गिवन है. द मैन्स बस इतना ही गिवन है. और ये भी गिवन है, बॉय ऑफ हाफ हिज मास. तो अगर इसका मास m है तो इसका मास हाफ है. तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं, हाफ इंटू मैन का मास, क्योंकि ये मैन की बात हो रही है और ये बॉय की बात हो रही है ऐसे. ठीक है, ऐसे. तो अगर मैं मैन की बात करूं, हाफ इंटू मैन का मास इंटू मैन की वेलोसिटी वी स्क्वायर है. मैन की वी है और ये वी डैश कर लेते हैं. इज इक्वल टू हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी बॉय की कितनी है? हाफ इंटू एम बाय 2 इंटू वी डैश का स्क्वायर. सब कट जाएगा, इक्वेशन आएगी वी और वी डैश की, इक्वेशन नंबर 1. सही है, पहली इक्वेशन आएगी यहां से. कितनी आ रही है? वी डैश और वी का रिलेशन क्या है? वी डैश फोर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर. कैसे होगा भाई, वो तो अंडर रूट हो जाएगा. स्क्वायर हटाओ ना, अंडर रूट सा बोलो. वी डैश इज 2v. हाँ, तो ये आ रही है, वी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू वी आना चाहिए. चेक करो, चेक करना. इतनी है क्या? यस, वी बन गई. हाँ, इतनी है. बॉय का वी डैश है. आपने आपने क्या लिया डिपेंड करता है ना. नहीं, आपने क्या लिया? ये लिया मेरे पास, ये सेम केस है. नहीं, मेरे को लगता है ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो 2 टाइम्स ये होगा. ठीक है, केस नंबर 2. केस नंबर टू में जो मैन है एंड जो बॉय है, मैन का मास m है, बॉय का अभी भी m बाई 2 है, मास तो चेंज नहीं हो सकते. काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है
सॉरी इसकी जो वेलोसिटी वी है और इसकी वी डैश है वो अगर स्पीड अप हो गया, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वन। अब इससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम हो गई, तो इसकी काइनेटिक कितनी है हाफ इंटू एम इंटू वी प्लस वन का स्क्वायर, और इसकी कितनी है हाफ इंटू एम बाई टू इंटू वी डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से आप वी डैश निकाल के यहाँ पुट कर दें, सॉल्व कर लें, वी आ जाएगा, वी आ गया तो वी डैश पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चले आगे। सही है, कितने का हो गया था वैसे ये, हो गया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th में डाउट। वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास गिवन केजी में कन्वर्ट कर लेना, 200 बाय 1000 करके केजी हो जाएगा। वेलोसिटी आपको पता है बॉल की कितनी है 20। प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड बैकवर्ड थ्रू 20 सेंटीमीटर, अपने हाथों को वो पीछे लेके आता है और फाइनल वेलोसिटी बॉल की क्या कर देता है, जीरो। तो इस मैन ने रिटार्डिंग फोर्स लगाई होगी बॉल को रोकने के लिए, एक्सलेटिंग नहीं हो सकती ना, वेलोसिटी क्या हुई, स्लो डाउन हुई। तो कितनी फोर्स लगाई ये निकाल लेते हैं, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितना 20 मीटर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ना, फाइनल एनर्जी कितनी है जीरो, एंड इनिशियल कितनी है हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इज माइनस एफ इंटू 0.20, एफ निकाल लेना आंसर। भाई हाथों की फोर्स तो रिटार्डिंग फोर्स की होगी ना, तभी तो रुक रहा है बॉल, रुक रही है, तो सॉल्व करके एफ की वैल्यू निकाल लेना आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट, ठीक है।